हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर हैदी हियर. आज आपको हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से किंगडम प्लांटी स्टार्ट करने जा रहे हैं. होप कि ये लेक्चर, ये जो चैप्टर है, यहाँ पर भी हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करें और आपके एग्ज़ाम की के लिए बेहतरीन तैयारी हो जाए. इस चैप्टर में, किंगडम प्लांटी में, हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को किस तरह तैयार करना है. ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर अपने लिए एक स्टाइल रखता है. इस चैप्टर में हम सबसे पहले प्लांट का डेफिनेशन देखते हैं कि भाई प्लांट है क्या चीज. हालांकि सबने प्लांट देखे हैं, लेकिन हम उसको डिफाइन करेंगे. उसके बाद एक छोटा सा लेक्चर हम क्लासिफिकेशन पे देंगे, यानी आज ही के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कोई 8-10 मिनट के अंदर अंदर. उसके बाद हम जो क्लासिफिकेशन के दौरान जो जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं प्लांट के, उनको थोड़ा सा 4-5 लाइनों में उनको डिफाइन करेंगे और उनके अंदर लाइफ साइकिल पढ़ेंगे. लाइफ साइकिल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि इस ग्रुप का लाइफ साइकिल किस तरह है, मॉसेस का लाइफ साइकिल किस तरह है, जिम्नोस्पर्म का, एडियंटम का लाइफ साइकिल. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो वो लाइफ साइकिल ही से आएंगे, और अगर कोई एमसीक्यूज बनते हैं तो वो भी लाइफ साइकिल से बनेंगे. और हर खानदान का के बारे में कोई 2-4 पॉइंट्स जो इनकी पहचान है, जिनकी वजह से इसको हम पहचानते हैं, वो पॉइंट्स भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे. तो इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे लेक्चर आएंगे हम आपको सारा सीक्वेंस से बताएंगे. ठीक है, कि पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो कह रहे हैं कि सर लेक्चर सीक्वेंस नहीं आ रहा, तो अभी से आपको सीक्वेंस मिलेगा. लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आपको नजर आ जाएगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, प्लांट्स का डेफिनेशन क्या है. अगर किसी जानदार के अंदर ये खसूसियात मौजूद हो तो आप उसको प्लांट कहेंगे. नंबर 1, मल्टी सेलर. सबसे पहली बात, उनके अंदर कोई यूनिसेलर जो है वो नहीं होंगे, कोई जीरो सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, वो मल्टी सेलर होंगे. ठीक है, बहुत सारे सेल्स के बॉडी में होंगे, और साथ साथ वो फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी ऑटोट्रॉफ होंगे, अपना खुराक लाइट की मदद से तैयार कर सकते होंगे. और साथ ही साथ यूकेरियोट्स होंगे. यस, सेल दो तरह के हैं, प्रोकैरियोट, यूकेरियोट, तो ये यूकेरियोट होंगे. और साथ ही साथ उनके पास सेल वॉल होनी चाहिए, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होने चाहिए. तो ये बातें, यानी इसके पास सेल वॉल हो और उसके अंदर सेलुलोज हो, यूकेरियोट हो, मल्टी सेलर हो, अपना खुराक खुद तैयार करता हूँ, ये शराइत अगर किसी जानदार के अंदर मौजूद है तो तब जाकर आप उसको कहें कि ये प्लांट है. अच्छा, अब एक मसला ये भी है कि बाज प्लांट्स के अंदर आपको लीफ की तरह स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएंगे, मतलब आपको स्टेम की तरह स्ट्रक्चर नजर, तो आप हैरान हो जाएंगे, यार हमने तो सुना था कि ये प्लांट जो है उसके इस तरह से शाखें होती है, स्टेम होता है, रूट्स होते हैं, और साथ साथ लीफ होते हैं. ओवरऑल जो कॉमन शख्स होता है वो प्लांट को इस तरह से देखते हैं कि प्लांट के अंदर स्टेम है, पत्ते हैं, शाखे हैं, उसके दिमाग में प्लांट के अंदर ऐसा नक्शा बना है. तो हर आम शख्स प्लांट के बारे में ऐसा ही सोचता है, वो एक दरख्त या एक गंदम का एक पौधा जो है उसके जहन में प्लांट है. लेकिन जब आप बायोलॉजी में आते हैं, जब आप मेडिकल साइंस के अंदर आते हैं, बॉटनी में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास लीफ हो. हालांकि मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स के पास लीफ है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दिखते में प्लांट नहीं होते हैं, कहते यार ये किस तरह प्लांट है, लेकिन वो फिर भी वो प्लांट होते हैं, साइंटिफिकली वो प्लांट होते हैं. क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर मान लेना पड़ेगा कि यस इट इज प्लांट. तो ये इसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए. ठीक है, अब आप देखें आगे ऐसा कोई प्लांट मैं आपको बताऊंगा आ जाएगा ब्रायोफाइट के अंदर, आप हैरान हो जाएंगे ये किस तरह का प्लांट है, तो बिल्कुल शक्ल ही नहीं है प्लांट का, लेकिन मानना पड़ेगा कि वो प्लांट है. अब किंगडम प्लांटिंग को जब हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में अक्सर चैप्टर में आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन आ रहा है, फंजाई में क्लासिफिकेशन था, एलजी में क्लासिफिकेशन था, एंड सो ऑन. क्लासिफिकेशन हम किस लिए करते हैं? ताकि हम चीज़ों को समझ सके, आसान हो जाए हमारे लिए, समझना आसान हो जाए. तो प्लांट को हम लोग क्लासीफाई कर देंगे, बड़े सिंपल अंदाज से क्लासीफाई करेंगे. दुनिया जहाँ में जितने भी प्लांट्स हैं उनको हमने दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, दो बड़े ग्रुप्स में. ग्रुप नंबर 1 जिसको हम लोग ब्रायोफाइट्स कहेंगे, ग्रुप नंबर 2 जिसको हम लोग ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं. ये दो तरह के बड़े ग्रुप्स हैं. ब्रायोफाइट्स पे अगला लेक्चर आएगा तफसील से, लेकिन अभी भी आप जरा सुन लें.
ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं हो। वास्कुलर टिश्यू क्या है? वास्कुलर टिश्यू असल में किसको कहते हैं? जाइलम, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम पाइप नमा इस तरह के पाइप नमा सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पानी को जमीन से लीफ तक उठाने में मदद देते हैं। जाइलम इस तरह के स्पेशल पाइप्स होते हैं और फ्लोएम जो है वो भी इस तरह से पाइप होते हैं लेकिन वो फूड को। तो जाइलम पानी को ले जाने वाले पाइप, फ्लोएम खुराक को ले जाने वाले पाइप, इन दोनों को मजमू तौर पर वास्कुलर टिश्यू कहा जाता है। तो जिन प्लांट के अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं है उनको ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट के बारे में मजीद तफसीलात हम आपको आने वाले लेक्चर में दे देंगे, लेक्चर नंबर 2 में। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा है वो कौन है? वो है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स में आप सिर्फ इधर इधर नो लिखा हुआ है, उधर किधर यस प्रेजेंट होता है। वास्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, यानी जिस प्लांट जो प्लांट हमारे पास होते हैं वो उनके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वास्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट। तो ये जो है यानी जाइलम फ्लोएम्स के अंदर मौजूद है। दुनिया में ज़मीन पर जैसे जैसे ज़िंदगी स्टार्ट होती गई जो जानदार आते गए वो पहले सिंपल थे, आस्ता आस्ता वो एडवांस होते गए। तो प्लांट के अंदर भी सबसे पहले ये ब्रायोफाइट का, ज़मीन पर ब्रायोफाइट है जो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। इसमें से कुछ तो ऐसे प्लांट के पास लीफ तक भी नहीं है, ठीक है। आस्ता आस्ता उनके अंदर लीफ आ जाता है, लीफ के बाद उसके अंदर बीज आ जाता है, बीज के बाद फिर फूल आ जाता है। कितना स्टेप बाय स्टेप एडवांस करता हुआ हमें वक्त के साथ साथ प्लांट्स के अंदर एडवांसमेंट नज़र आएगी। तो सबसे पहले ज़मीन पर ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स नज़र आए थे, उसके बाद ट्रैकियोफाइट्स आए जो आजकल आप देख रहे हैं, बड़े बड़े जो बीज और फूल वाले दरख्त हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ट्रैकियोफाइट्स में। अच्छा, ब्रायोफाइट को हमने मजीद क्लासीफाई किया हुआ है 3 ग्रुप्स में। एक का नाम है हेपाटिकोप्सिडा। ओल्ड कोर्स में सीडा सीडा लिखा जाता था, अभी जो नया कोर्स है उसमें हेपाटिका लिखा हुआ है, हेपाटिका। सो कोई इशू है ही नहीं, हेपाटिकोप्सिडा या हेपाटिका, नो इशू। हेपाटिका एक सब क्लास है ब्रायोफाइट का, जिसको हम लोग लिवर वॉर्ट्स भी कहते हैं, ये इसके अंदर आ रहा है। हम क्या करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस खानदान के बारे में पॉइंट्स को 5-10 पॉइंट्स कलेक्ट करके इसको याद रखें, इसकी ये निशानी है। और दूसरा ग्रुप के मुस्सी या मॉसेस, मॉसेस के बारे में हम लोग कोई 4-5 पॉइंट्स उठा के और इसके अंदर लाइफ साइकिल को भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो कोर्स का हिस्सा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये भी आ जाएगा, मॉसेस का लाइफ साइकिल। ओवरऑल इसके लिए एक अलग लेक्चर होगा ब्रायोफाइट के लिए, इसके लिए एक ही लेक्चर के अंदर हम इनको कवर करेंगे, एक ही लेक्चर के अंदर, ठीक है। एंथोसिरोप्सिडा या एंथोसिरोटा, ये थर्ड खानदान है जिसको हॉर्नवॉर्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो प्लांट होते हैं उनके अंदर हॉर्नी स्ट्रक्चर होते हैं, सींगनमा स्ट्रक्चर होते हैं, सींगनमा इस तरह से सींगनमा स्ट्रक्चर होते हैं, तो जिसकी वजह से उसको हॉर्नवॉर्ट्स कहते हैं। हेपाटिकोप्सिडा को लिवर वॉर्ट्स लिखे थे, क्योंकि इसके जो प्लांट होते हैं एक तो वो लिवर की डिजीज में यूज़ होते हैं और उससे उसकी शक्ल लीवर की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये 3 आ गए। आपने अब एग्जामिनेशन के लिए आपने याद रखना है कि ब्रायोफाइट के अंदर कितने ग्रुप्स है, आपने याद रखना है 3 ग्रुप्स है। कौन कौन से है? हेपाटिकोप्सिडा, मोसी एंड एंथोसिरोप्सिडा या एंथोसिरोटा, ये 3 आपने नाम याद। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन 10-15 बार लिखने से ये नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। आप अच्छा, उसके बाद आप आ जाएंगे ट्रैकियोफाइट। डेफिनेशन तो हो गया है, इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स हैं। ट्रैकियोफाइट्स को हम लोगों ने 2 सब क्लास में डिवाइड किया हुआ है, एक है स्पर्माटोफाइट और दूसरा है नॉन स्पर्माटोफाइट। ये तो फाइट फाइट का लफ्ज आ रहा है, फाइट वैसे प्लांट को कहते हैं, ठीक है। स्पर्माटोफाइट और नॉन स्पर्माटोफाइट, स्पर्माटोफाइट उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके पास बीज होते हैं, सीडेड, तो मैं लिख रहा हूँ सीडेड, जिनके पास बीज वाले प्लांट होते हैं, जो बीज रखते हैं उनका नाम है स्पर्माटोफाइट, और जिनके पास बीज नहीं है, नो सीड, सीडलेस प्लांट जो है उनको नॉन स्पर्माटोफाइट कहते हैं। यानी अब ऑब्जर्व देखिए, ट्रैकियोफाइट के अंदर बीज वाले प्लांट भी है और बगैर बीज वाले प्लांट भी है।
बगैर बीज वाले प्लांट को हमने मजीद चार ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, मजीद चार ग्रुप जो बगैर बीज वाले होते हैं। आपने नाम याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके सामने एक प्लांट आएगा, उसका नाम आएगा फलाना प्लांट, तो उसे पूछा कि ये किस क्लास से ताल्लुक रखता है। ऑप्शन में होगा ये 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 या ये, में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा और आप आइडेंटिफाई करो कि भाई ये जो प्लांट है ये इस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो नाम पहले याद रखना जरूरी है। मैं कहता हूँ प्लांट को समझने के लिए ये नक्शा पहले अपने जहन में बिठा दीजिए, जितना आसान सा छोटा सा एक नक्शा है इसको जहन में बिठा दीजिए, ठीक है। तो ये चार ग्रुप्स है नॉन स्पर्मेटोफाइट के, एक का नाम है साइलोपसीडा, साइलोपसीडा, दूसरे का नाम है लाइकोपसीडा, तीसरे का नाम स्फिनोपसीडा और टेरोपसीडा। हम लोग एक और बाकायदा लेक्चर ये जो नॉन स्पर्माटोफाइट है उसको देंगे, उनमें हम लोग ये इनके बारे में छोटे छोटे से पॉइंट्स कलेक्ट करके लेंगे। और ये जो टेरोपसीडा है जिसको फर्न्स इसके अंदर आ रहे हैं, फर्न्स आ रहे हैं, फिलिसिनिया फर्न्स आ रहे हैं, ये बड़ा स्पेशल है इस पूरे ख़ानदान के अंदर, नॉन स्पर्माटोफाइट के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप लोगों के कोर्स के हिसाब से इसका लाइफ साइकिल मौजूद है। तो हम एक यहाँ पर आकर थोड़ा एक लाइफ साइकिल इसका, इस ख़ानदान से इसका लाइफ साइकिल और इस ख़ानदान से इसका लाइफ साइकिल आपको बता देंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके आने के चांसेस ज़्यादा है। अब आ जाए जो आपका स्पर्मेटोफाइट है, जो बीज वाले प्लांट होते हैं, उनको भी हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम है जिम्नोस्पर्म, दूसरा का नाम है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म उन प्लांट को कहा जाता है जिनके पास बीज तो है, यस दोनों के पास बीज है, लेकिन इनका बीज क्या है, नेकेड है। नेकेड का मतलब क्या है, फ्रूट के अंदर बंद नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो पाइनस के दरख्त है, पाइनस के देखें यूनिवर्सिटीज़ में रोड्स पे लगे होते हैं, सदाबहार दरख्त होते हैं, इनके अंदर जो कोन है बड़े भारी कोन होते हैं, कभी भी आप जा रहे होते हैं तो आपके सर पर गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो फीमेल कोन होते हैं उनके अंदर जो बीज होता है आपने देखा होगा, उसके जो पत्ते हैं खुल जाते हैं 2 साल के बाद और बीज अंदर एक्सपोज हुआ होता है, वो फ्रूट के अंदर नहीं होता। इसीलिए हम ऐसे प्लांट को होते हैं नेकेड सीड जो विच इज़ नॉट इंक्लोज इन फ्रूट। और दूसरे अल्फाज हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास फ्लावर है ही नहीं, ठीक है। जब फ्लावर आएंगे तो फ्रूट बनेगा और बीज फ्रूट के अंदर आएगा। सो दीज आर फ्लावरलेस मोसेस, आप ये भी कह सकते हैं फ्लावरलेस जिम्नोस्पर्म। हम अपने इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर जिम्नोस्पर्म पे देंगे, इसका लाइफ साइकिल देखेंगे किस तरह ये बच्चे देते हैं, लाइफ साइकिल इसका किस तरह से है। अब बड़ा स्पेशल है, बड़े अच्छे अंदाज से हम आपको ये भी बताएंगे। और एंजियोस्पर्म क्या है, इनका बीज जो है वो नेकेड नहीं है, वो फ्रूट के अंदर है और फ्रूट के जो अंदर है सीड इनक्लोज, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सीड जो है वो हमारे पास क्या है, इन सीड इज इनक्लोज इनसाइड फ्रूट। यानी अगर फ्रूट की बात यहाँ पर आ गई, इसका मतलब ये है कि इनके पास फ्लावर है और ये आपको फ्लावरिंग प्लांट्स भी आप इसको कह सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी आप इसको कह सकते हैं एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में दुनिया जहाँ के फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहे हैं, सेब है, एप्पल है, खुबानी है, नाशपाती है, सोन जितने फ्रूट हम और आप मजे से खाते हैं और वो सब्जियां हैं ऐसे वेजिटेबल्स हैं वो इस खानदान से, मटर आप हम और आप खाते हैं, ठीक है, पोटैटो है, बैंगन है, ठीक है, गोभी है, कद्दू है, जो भी मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट वेजिटेबल्स हम और आप खाते हैं वो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम एक लाइफ साइकिल यहां से बिस्तर करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। यह था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, इसको नोट कर दीजिएगा, हमें लेक्चर को जो है लाइक जरूर दीजिएगा, हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।